प्रयागराज गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित प्राचीन शहर एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। एक विशाल परियोजना गंगा नदी पर 9.9 किलोमीटर तक फैला एक 6 लेन वाला केबल ब्रिज शहर की कनेक्टिविटी में क्रांति लाने और इसके लिए अपार संभावना को खोलने के लिए तैयार है। भविष्य के लिए एक पुल, कनेक्टिविटी को फिर से परिभाषित करना लगभग 1948 करोड़ की अनुमानित लागत वाला यह विशाल पुल सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, यह महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो 1045 किलोमीटर लंबी राजमार्ग परियोजना है, जो 12 जिलों से होकर गुजरेगी और 512 गांवों को छुएगी। क्षेत्रीय संपर्क पर प्रभाव निर्विवाद है। प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या और प्रतापगढ़ जाने वाले यात्रियों को भीड़ भाड़ वाले शहर की सड़कों को पार करते हुए एक निर्बाध यात्रा का आनंद मिलेगा। इसका मतलब है कम यात्रा समय। कल्पना कीजिए कि आप 1 घंटे से भी कम समय में लखनऊ पहुंच जाते हैं या तीर्थ यात्रा के लिए काफी कम समय में अयोध्या पहुंच जाते हैं। यह पुल यात्रियों और पर्यटकों दोनों के लिए यात्रा समय में महत्वपूर्ण बचत का वादा करता है। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा, बेहतर कनेक्टिविटी, वस्तुओं और सेवाओं के आसान आवागमन की सुविधा प्रदान करके व्यापार को बढ़ावा देती है। प्रयागराज में स्थानीय व्यवसाय नए बाजारों का फायदा उठा सकते हैं, व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंच बना सकते हैं। पर्यटन क्षमता में वृद्धि, यह पुल एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जिससे प्रयागराज जो इतिहास और आध्यात्मिकता से भरपूर शहर है, पर्यटकों के लिए अधिक सुलभ हो जाता है। इससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, जिससे होटलों, रेस्टोरेंट और स्थानीय विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। समानताएं आकर्षित करना, प्रेरणा के लिए एक पुल एक परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना नहीं है। मुंबई में प्रतिष्ठित बांद्रा वर्ली सी लिंक जो 5.6 किलोमीटर में फैला है, ऐसे पुलों की परिवर्तनकारी शक्ति की झलक देता है। 2009 में इसके खुलने के बाद से बांद्रा वर्ली सी लिंक ने दक्षिण मुंबई और पश्चिमी उपनगरों के बीच यात्रा समय को काफी कम कर दिया है, जिससे यातायात की भीड़ को कम कर दिया गया है और आर्थिक अवसरों को खोल दिया गया है। प्रयागराज के केबल ब्रिज से बड़े पैमाने पर इस सफलता की कहानी को दोहराने की उम्मीद है। कनेक्टिविटी से परे प्रगति के लिए उत्प्रेरक, इस पुल का प्रभाव बेहतर कनेक्टिविटी से आगे जाता है, यह कैसे प्रयागराज के भविष्य को आकार देने की संभावना रखता है। इस परियोजना ने स्वयं निर्माण और संबद्ध उद्योगों में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा किए हैं। इसके अतिरिक्त बेहतर कनेक्टिविटी निवेश को आकर्षित करेगी, जिससे प्रयागराज में नए व्यवसायों और उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। पुल के पहुंच बिंदुओं के आसपास नई सड़कें, बुनियादी ढांचा, परियोजनाएं और वाणिज्यिक केंद्र सामने आने की संभावना है। यह विकास एक अधिक जीवंत और आधुनिक प्रयागराज का निर्माण करेगा। निस्संद रूप से बढ़ी हुई पहुंच प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा देगी। शहर ऐतिहासिक स्थलों जैसे इलाहाबाद किले और नेहरू गांधी परिवार के पैतृक निवास आनंद भवन का दावा करता है। हर 12 साल में आयोजित होने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक कुंभ मेला को भी बेहतर बुनियादी ढांचे से लाभ होगा। आगे देखना, प्रगति के लिए तैयार एक शहर। 2025 के कुंभ मेले से पहले पूरा होने वाला यह 6 लेन वाला केबल ब्रिज प्रयागराज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करते हुए भविष्य को अपनाने की शहर की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। सुगम यातायात प्रवाह सुनिश्चित करना, बढ़ते शहरीकरण का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना और विकास के साथ साथ शहर की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि उचित योजना और क्रियान्वयन के साथ इन चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता है। जन धारणा, परिवर्तनशील शहर, इस परियोजना ने पहले ही जनता की महत्वपूर्ण रुचि हासिल कर ली है। निवासी इसे प्रगति के अग्रदूत और प्रयागराज के बढ़ते महत्व के प्रतीक के रूप में देखते हैं। शहर के भविष्य की क्षमता के बारे में आशावाद का भाव स्पष्ट है। यह 6 लेन वाला केबल ब्रिज सिर्फ एक भौतिक संरचना से कहीं अधिक है। यह प्रयागराज के उज्जवल भविष्य के लिए एक पुल है। यह प्रगति, कनेक्टिविटी और आर्थिक समृद्धि के लिए शहर की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।
जैसे जैसे परियोजनाएं पूरी होने के करीब आती हैं, प्रयागराज में उत्साह और प्रत्याशा स्पष्ट है। शहर परिवर्तन के चरण पर खड़ा है, जो उत्तर प्रदेश और उससे आगे एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार है। दर्शकों की राय। द खबरदार न्यूज के दर्शकों, आप इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये वाकई में प्रयागराज के विकास में मील का पत्थर साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।